السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل أقدة من لساني يفقه قولي وإذا سألك عبادي عن فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون और जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में सवाल करें तो कह दीजिए बेशक मैं करीब हूं मैं पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूं जब भी वो मुझे पुकारे तो इनको चाहिए कि वो मेरा हुक्म माने और मुझ पर ईमान रखे ताकि वो हिदायत पाए ल्लाह वसल्लम से बा साहब कराम ने अर्ज किया क्या हमारा रब करीब है कि हम उससे सरगोशी के अंदाज में मुनाजात करें या वो हमसे दूर है कि हम उसे पुकारे यानी बुलंद आवाज से पुकारे इस सवाल के जवाब में ये आयत नाजिल हुई वह इदा सा अल का इबादी करीब और जब तुझसे मेरे बंदे मेरे बारे में पूछे तो आप उनको बता दें कि मैं करीब हूं इस आयत में अल्लाह सुबहान तबादी कहकर अपने बंदों पर खास रहमत जाहिर की है और फिर अपने करीब होने का जिक्र करके दुआ करने की तरकीब दी है यानी अल्लाह सुबहान तला हमें अपने बंदे कहके पुकार रहा है मेरे बंदे हम सब उसी के बंदे हैं और फिर ये भी बता दिया कि इनकी करीब मैं करीब हूं दूर नहीं हूं तुमसे तुम जब चाहो मुझे पुकार सकते हो अब मूसा शरी कहते हैं कि एक सफर में हम रसूल सल्लाह के साथ थे जब हम किसी वादी में उतरते तो ला इल्लल्लाह और अल्लाह अकबर कहते और हमारी आवाजें बुलंद हो जाती तो नबी वसल्लम ने फरमाया लोगो अपनी जानों पर रहम करो क्योंकि तुम किसी बहरे या गायब को नहीं पुकार रहे वो तो तुम्हारे साथ ही है बेशक वो सुनने वाला और तुमसे बहुत करीब है उसका नाम बरकतों वाला है और उसकी अजमत बहुत ही बड़ी है तो अल्लाह सुबहान करीब है उसको हम चाहे तो दिल ही दिल में पुकारे सरगोशियों के अंदाज में पुकारे या ऊंची आवाज में पुकारे वो हर हाल में सुनता है और जब वो सुनता है तो जवाब भी देता है और हमारी दुआएं कबूल भी करता है इसलिए हमें उसको करीब महसूस करके उससे दुआएं करते रहना चाहिए तो वो दुआ की कबूलियत के एतबार से करीब है दुआ को सुनने के लिहाज से करीब है अपने इल्म के एबार से सब लोगों के करीब है और खास तौर पर इबादत करने वालों और पुकारने वालों के करीब है यानी उसका कुर्ब दो तरह का है एक आम कुर्ब है जो सबके लिए है और एक खास कुर्ब है जो उसके खास बंदों के लिए है और वो खास बंदे जो इबादत गुजार हैं, जो उसका जिक्र करते हैं जो उसके शुक्र करने वाले है तो अल्लाह सुबहाना उनकी दुआओं को कबूल करता है उनकी मदद करता है और उन्हें नेक कामों की तोफीक अदा करता है यहाँ पर आप देख रहे हैं कह कहके बंदे और रब के दरमियान कोई फासला नहीं रखा गया इसे एतबार से के कोई और वास्ता हो यहाँ अल्लाह सुबहाना ने जवाब को कुल या फकुल कह के नहीं फरमाया जैसा कि दूसरी आयात में आता है जितने भी सवाल साहब कराम ने रसूल सल्म से किए तो उनके जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया कुल आप इन्हें बता दीजिए लेकिन यहाँ पर कुल भी नहीं आया डायरेक्ट फ इन्नी करीब इजासा इरास का इबादी अन्नी फ इन्नी करीब यानी बीच में कोई वास्ता नहीं लाया गया तो इससे ये पता चलता है कि हमारे और हमारे रब के बीच में किसी और वास्ते और किसी और वसीले की जरूरत नहीं और जब अल्लाह ताला ने यह इबादी कह दिया तो इसमें सारे बंदे शामिल हो जाते हैं चाहे वो नेक हो या बद हो बड़े हो या छोटे हो गुनागार हो या बहुत परहेजगार हो कोई भी हो जो भी अपने रब को पुकारता है रब उसकी पुकार को सुनता है और वो करीब है लिहाजा जब हमारा रब करीब है और मुजीब है जैसा कि आप जानते हैं प्रोग्राम का नाम भी करीब उम्मीब इसीलिए रखा गया कि हमारा अगर अपने रब से तारुफ हो जाता है हम अपने रब को पहचान जाते हैं कि हम किस को पुकार रहे हैं और वो कहाँ है तो जितना जितना हमारा ये यकीन होगा कि वो हमारे करीब है और वो सुनता है और जवाब देता है उतनी ही ज्यादा मुहबत और तवज्जो के साथ अखलास के साथ हम दुआ करेंगे इनशाला और फिर आप देखिए कि अल्लाह ताला हमारी दुआओं को जाया नहीं करता उजी बुदाव इदा दानी मतलब ये है कि जो भी मुझसे मांगता है वो कुछ पाके ही लौटता है वो ना मुराद नहीं होता जैसे जकरियालाम ने कहा था कि वलम अकुन बिदुआई का रब भी शकिया के, के रब तुझे पुकार कर तो मैं कभी बदबक हुआ ही नहीं कभी मायूस हुआ ही नहीं कभी महरूम हुआ ही नहीं जब भी तुझे पुकारा तुझसे कुछ पा ही लिया तो इसलिए हर दुआ करने वाले को ये यकीन होना चाहिए कि हमारी दुआ जरूर सुनी जाएगी क्योंकि शैतान इंसान के दिल में ये वसवसा डालता है कि तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होगी नहीं भाई हर एक की दुआ कबूल होती है अगर वो सही मानो में अपने रब को पुकारता है वो दुआओं को सुनता है और जवाब भी देता है जरूरत इस बात की है कि हम अपने दिल को हाजिर करके अल्लाह से मांगे इखलास के साथ मांगे और कबूलियत के जो औकात हैं या जो अलामत हैं उनको सामने रखते हुए मांगे और फिर साथ ये भी कहा गया फल बोली वली मिनुबी ला यदून कि उन्हें चाहिए कि वो भी मेरी बात माने यानी अगर ये चाहते हैं कि मैं इनकी दुआएं कबूल करूं तो फिर इन्हें भी चाहिए जब मैं इन्हें पुकारता हूं एक तो यह है ना कि हम अल्लाह ताला को पुकारते हैं और एक अल्लाह ताला भी हमें पुकारते हैं यानी अल्लाह सुमान तला कब पुकारते है? हर आजान में पुकार आती है हैयाला है सलाह अल फला तो फिर हम क्या करते हैं क्या वाकई हम सलाह की तरफ जाते हैं या नहीं इसी तरह कुरान मजीद में बहुत दफा या यादीना आमनु कह के हमें पुकारा गया है ऐ लोगो जो ईमान लाए हो या यान्नास कह के तमाम इंसानों को पुकारा गया है तो क्या हम इंसान भी अपने रब की पुकार को सुनते हैं क्या हम भी जवाब देते हैं क्या हम भी उसकी तरफ बढ़ते हैं और फिर ये कि वल यु मिनु भी चाहिए कि वो मुझ पर ईमान लाए चाहिए कि वो मेरी बात माने लाल लहुम ला यायद वो सीधी राह पा जाएं। सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाहल्म ने फरमाया तुम में से हर एक की दुआ कबूल की, की जाती है जब तक के कोई गुनाह या कतः रहमी की दुआ ना करे बशर्ते के जल्दी भी ना करे पूछा गया या रसूल अल्लाह वो जल्दी क्या है फरमाया ये के कोई यूं कहे कि मैंने दुआ की और मैंने दुआ की यानी दोबारा कहे मैंने तो कई बार दुआ की बहुत दुआ की मेरी तो दुआ कबूल नहीं होती और इस तरह वो थक हार कर दुआ करना छोड़ दे ऐसा ना करे बल्कि दुआ करता रहे क्योंकि उसकी कबूलियत के मुख्तलिफ तरीके हैं तो अल्लाह सुबहान ताला हमसे करीब है एक और आयत में आता है सूरत की व इलाम साबुद्लाह माल मिन इलाह गई रू हु फिर तुम मतुब अबी करीब मुजीब और समूद की तरफ उनके भाई सालेह को भेजा उसने कहा अल्लाह की इबादत करो उसके सिवा तुम्हारा कोई मबूद नहीं उसी ने तुम्हें जमीन से पैदा किया और तुम्हें इसमें आबाद किया सो उससे बख्शिश मांगो फिर उसकी तरफ पलट आओ यकी मेरा रब करीब है कबूल करने वाला है इन न करीब मुजीब यहाँ कौम समूद की बात की जा रही है ये लोग मदायन के इलाके में रहते थे जो तबूक और मदीना मनवरा के दरमियान वाक था साल सलाम ने अपनी कौम को एक तरफ अल्लाह सुबहन तला की इबादत की दावत दी तो की दावत दी कि सिर्फ वही तुम्हारा मबूद है जिसने तुम्हें पैदा किया जिसने तुम्हें जमीन में आबाद किया लिहाजा तुम शिरक से इजनाब करो सिर्फ अल्लाह की तरफ रुझू करो क्यों इसलिए वो बहुत करीब है अपने बंदों की दुआएं सुनता है तो आप देखिये जो आपके करीब हो और जो आपकी बात भी सुनता हो तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि आप उसके करीब हो यहां पर आप देखिए कि दुआ करने से पहले दो चीजों की बात है इस्तगफार और तौबा की कि उससे इस्तगफार करो और तौबा करो तो तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी तौबा का मतलब यह है कि गुनाहों से किनारा कशी इख्तियार करो और इस बात का पक्का वादा करो कि आइंदा गुनाह नहीं करोगे और इस्तार का मतलब होता है बख्शिश तलब करना कि अल्लाह हमें माफ कर दे हमारे गुनाहों पर पर्दा डाल दे और तोबा और इस्तार दोनों हम माना भी हैं इमाम अपने कयम कहते हैं इस्तवार में तोबा शामिल है और तोबा में इस्तार शामिल है और जब इनको अलग अलग बोला जाता है तो फिर उसका माना अलग अलग भी होता है और अगर ये दोनों इकट्ठे आए यानी एक दूसरे के साथ मिलकर आए तो इस्तार का मतलब ये होता है कि जिंदगी में जो हम कर चुके हैं गलत काम बुराइयां अल्लाह ताला हमें उनके शर से महफूज रखे और तोबा का मतलब ये है कि हम आइंदा गुनाह में पड़ने के शर से आपकी मदद चाहते हैं हिफाजत चाहते हैं और तोबा उस पुख्ता इरादा को भी कहते हैं कि दोबारा गुनाह नहीं करेंगे आइंदा ये नहीं करेंगे तो इन न करीब मुजीब मेरा रब यकीन करीब है मुजीब है और यहाँ करीब कुर्ब से शफकत और इकराम के मानों में यानी रब बहुत शफीक और मेहरबान है बहुत करीम है और इसका ऑपोजिट होता है बाईद दूर और बहुत लफ्ज सख्ती के लिए बोला जाता है कि वो जो शफीक ना हो सख्त हो करख्त हो और फिर ये कि कुछ ना दे तो ऐसा नहीं है हमारा रब हमारा रब करीब है मेहरबान है और उसके साथ साथ ये कि वो अपने बंदों का इकराम करता है और उन्हें सीधे रस्ते पर चलाता है उनकी रहनुमाई करता है उनकी जरूरियात पूरी करता है उनकी हिफाजत करता है उनको मदद देता है उनकी मुश्किल दूर करता है लिहाजा हमें अपने रब को करीब पाते हुए और कुर्बत का एक एहसास होता है करीब होने का मतलब ये नहीं कि अल्लाह सुबहान किसी नवज फिजिकल फॉर्म में हमारे साथ बैठे हुए हैं या हमारे दिल में बैठे हुए हैं ये मतलब नहीं है करीब का। काबत एक एहसास का नाम है आपने देखा होगा बहुत से लोग दूर होते हुए आपके दिल के करीब होते है और कई लोग आपके साथ रहते हुए आपके साथ बैठे हुए आपके साथ जिंदगी गुजारते हुए भी आपसे दूर होते हैं तो अल्लाह का महसूस करने की चीज है इस तरह की वो सुनता है अल्लाह सुबह सुनता है असमी अल्ला है अल्लाह ताला देखता है अल-बसीर है अलखबीर है।, है वो हमारे दिलों के राज भी जानता है तो उससे बढ़ के करीब कौन होगा जो शहरक से भी ज्यादा करीब है और जो हमारे दिल में ख्याल उठकर जो हमारे दिमाग तक जाता है उससे पहले के दिमाग तक जाए वो बीच में हायल होता है और वो जान लेता है कि बंदा क्या सोच रहा है न सिर्फ ये कि वो ये जानता है की इस वक्त क्या कर रहे हैं हम वो ये भी जानता है हम पास्ट में क्या कर चुके हैं और वो ये भी जानता है कि हम फ्यूचर में क्या कुछ करने वाले है? कोई और है ऐसा जो इतना ज्यादा हमें जानता हो क्या वो हमारी जरूरियात को नहीं जानता होगा क्या वो हमारे दुख को नहीं जानता क्या वो हमारी परेशानियों को नहीं जानता क्या वो हमारी जिंदगी के मकासद को नहीं जानता क्या वो हमारी कोशिशों को नहीं जानता क्या वो हमारी इबादतों को नहीं जानता वो खूब जानता है वो सब कुछ जानता है तो जो जानता है उससे मांगे बनिस्बत इसके कि जो जानता भी नहीं है और हम उससे तब हाथ लगा के बैठे रहे कि ये हमारे लिए कुछ करेंगे आमतौर पर हम जब किसी मुश्किल का शिकार होते हैं तो फिर बंदों की तरफ देखते हैं नहीं जो अपने रब को करीब पाते हैं वो अपने रब ही की तरफ देखते हैं और रब ही की तरफ पलट पलट कर जाते हैं और ताबा यतूबु का मतलब पलट पलट कर जाना भी है कि वापस पलटते हैं कि अल्लाह ताला अगर हमारी किसी बात से आप नाराज हो गए या हमसे खफा है तो हम तेरी ही तरफ पलटते हैं आऊ का मिनका तुझ डर के फिर तेरे ही पास बना लेते हैं अपने गुनाहों के शर से बचने के लिए अपनी सयाद से बचने के लिए तो इसलिए थ्रू आउट जो हमारा इंशाल्लाह प्रोग्राम होगा इसमें आप ये दो लफ्ज़ बस पक्के कर लें वो करीब है है, वो बहुत करीब है और वो जवाब भी देता है वो दुआएं कबूल भी करता है इसलिए इस रमजान में खूब खूब खुँ दुआएं करनी है और वैसे भी आप देखें कि दुआ अफजल तरीन इबादत है अ दुआमुख लिबाद इबादत का जौहर है इबादत की टॉप पर है तो रमजान का महीना इबादत के लिए लिहाजा उस इबादत में दुआओं का एक खास हिस्सा होना चाहिए दुआ है क्या दुआ का लफ्ज अरबी जबान में दाल आइन वाओ से मिलकर बना है दाआ दुआन वावत ये दो मस्तर है इससे और दुआ का लफ्स ही माना होता है किसी को आवाज और कलाम के साथ मायल करना पुकारना यानी आवाज भी देना उससे बात भी करना और उसको अपनी तरफ मुतवजे करना एक होता किसी से बात करना लेकिन उसे मकसद ये नहीं होता कि मेरी तरफ मुतवजे हो मसलन मैं आपसे बात कर रही हूँ इस वक्त तो मुझे आपसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं कि आप मेरी तरफ मुतवजे हो कि मेरी कोई मदद करें लेकिन दुआ में जब इंसान पुकारता है तो उसका मतलब होता है कि दूसरा मुतवजे हो और जिस मकसद के लिए उसको पुकारा जा रहा है वो मकसद भी पूरा हो जाए अरबी में कहते हैं दाऊतुल्लाह मैंने अल्लाह को पुकारा यानी मैंने सवाल करते हुए अल्लाह की तरफ आजी करते हुए जो खैर है उसके पास उसमें रखी और उस रगबत को तलब करने के लिए उसको पुकारा यानी उस रगबत के साथ उसको पुकारा। दुआ का लफ्स मुख्तलि नंबर एक दुआ बना नि आवाज देने के मानो में दतलब क्या आवाज देना जैसे सुरतमरान में आता है फकुल ताल न दबना अना बबना अकुम व निसा अना व नि अकुम व अनफुसना व अनफुसकुम तो आप कह दीजिए कि आओ हम अपने और तुम्हारे बेटों को और अपनी और तुम्हारी, और तुम्हारी औरतों को बुला लें पुकार ले तुम भी उनको बुला लो हम भी बुला लेते तो बुलाने के मानों में इस्तेमाल होता है तो अरबी जबान में दुआ और निदा ये दो लफ्स मुतरादिफ भी है एक दूसरे से मिलते जुलते सिनोनीम से हैं। एक जगह पर इकट्ठे भी इस्तेमाल हुए है इला दुआ अम व निदा आ के पुकार और आवाज के सिवा कुछ नहीं सुनता फिर इसी तरह दुआ बमाना तलब करना किसी चीज की डिमांड करना पुराने मजीद में आता है और कोई भी बोझ उठाने वाला किसी दूसरे के गुनाहों का बोझ ना उठाएगा ये कब की बात है قیامت के दिन और कोई बोझ से लदा हुआ शख्स अपना बोझ उठाने के लिए किसी को बुलाएगा उसको पुकारेगा व इनता तो वो उसमें से कुछ भी नहीं उठा सकेगा कोई मदद नहीं करेगा क्यामत के दिन अगर चाहे वो करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो तो किसी को मदद के लिए बुलाना आओ मेरा सामान उठाओ मेरा बोझ उठाओ इसके लिए भी लफ्स दुआ जिसमें एक तलब पाई जाती है इस्तेमाल होता है इसी तरह दुआ का लफ्ज बमाना कौल बात के भी इस्तेमाल होता है कुरान मजीद में आता है फमा का न दावा अहम ब सुना इला कुन्ना जालिमीन जब उनके पास हमारा अजाब आया तो उनका कौल इसके सिवा कुछ न था कि वो कहने लगे बेशक हम ही झालिम थे तो यहाँ पर कौल या बात के मानों में आया है फिर इसी तरह दुआ का लफ्स इबादत के मानों में भी आता है सुरत में नौजवानों का जो किस्सा आता है जिसमे वो अब ईमान को बचाने के लिए गार की तरफ जा रहे थे तो अल्लाह तला ने उनके बारे में फरमाया फलु रब ना रब सबावा इलाहन लकदुल ना इजन शता और हमने उनके दिलों को मजबूत कर दिया जब वो उठ खड़े हुए तो कहने लगे हमारा रब तो आसमानों और जमीन का रब है हम हरगिज उसके सिवा किसी इलाह को नहीं पुकारेंगे यानी उसकी इबादत नहीं करेंगे और अगर हम ऐसा करें तो यकीन हमने ना इंसाफी की बात की तो दुआ बमाना इबादत फिर इसी तरह पांचवा माना कुरान मजीद में दुआ बमाना फरियाद करना तलब करना फरियाद करना और इसमें वह इनकुन तुम फी रई बिमान अला अब तुम बिस ही वहादा अकुम अगर तुम इस कुरान में शक है जो हमने अपने बंदे पर नाजिल फरमाया तो इसी तरह की एक सूरत तुम भी बना लाओ और अल्लाह के सिवा अपने गवाहो मददगारो को भी बुला लो फर याद करो की वो आए और तुम्हारी मदद करे यानी मदद के लिए पुकारना ये माना है फिर इसी तरह दुआ बमाना किसी चीज की तरकीब देना यानी किसी चीज की तरफ दावत देना नूअसलाम ने अपनी कौम को पुकारा था कल अरब भी इन दाऊ लम्बा नहारा उसने कहा मेरे रब बेशक मैंने अपनी कौम को रात और दिन पुकारा उनको दावत देता रहा दीन की तरफ अपने रब की तरफ और इसमें माना इबादत का भी है कि अल्लाह की इबादत करो तो इबादत की दावत मैं उनको देता रहा फिर इसी तरह दुआ बमाना मंसूब करना निस्बत देना उदो हम लिया बाम इन बच्चों को उनके हकीकी बापों की नस्बत से पुकारो यानी उदऊ का मतलब है कि उनको अपने बापों की तरफ ही मंसूब करो जिनके वो बच्चे हैं, बाप का नाम नहीं बदलो और आठवां माना है सवाल करना दुआ बमाना सवाल जैसे बनी इसराइल ने माहिया कहा, उन्होंने कहा तुम अपने रब से हमारे लिए दुआ करो तो ये जो दुआ है ये बमाना सवाल है यानी मांगो कि वो हमारे लिए बयान कर दे कि वो गाय किस तरह की हो तो कुरानी मजीद में ये दुआ का लफ्ज मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल हुआ है लेकिन दुआ का अमूमी शराय माना क्या है अल्लाह की बारगाह में आजजी के साथ सवाल करना और अल्लाह के पास जो खैर है उसमें रागब होना रगबत रखना अल्लाह की बारगाह में अल्लाह के हजूर आजजी के साथ सवाल करना चीख चिल्ला के नहीं बल्कि बहुत हम्बल तरीके से और जो खैर अल्लाह के पास है उसमें रखना उसका शौक रखना तीबी कहते हैं इससे मुराद है अल्लाह की बारगाह में इंतहा दर्जे की आजी इंकिस और मोहताजगी जाहिर करना जैसे सलाम ने दुआ क्या की थी रबी इन्नी लिमा अनजल मिन खैर फकीर अपने फकर अपनी मोहताजी अपनी जरूरत का इजहार किया था इन लिमा अंजलता अनजल था इलैया फकीर इमाम क्यम कहते हैं इससे मुराद है ऐसी चीज को तलब करना जो दुआ करने वाले को फायदा दे यानी फायदे की चीज हासिल करने के लिए सवाल करना और ऐसी चीज को दूर करने के लिए तलब रखना जो उसको नुकसान देती हो तो फिर दो तरह से दुआ करता है इंसान कुछ फायदे की चीजें मांगता है और कुछ नुकसान वाली चीजों को दूर करने के लिए अल्लाह से दरखास्त करता है हमारी शरीयत में दुआ की दो बड़ी अकसाम हैं, एक है दुआए इबादत और एक है दुआए मसला दुआए इबादत क्या है इससे मुराद है कि इंसान अल्लाह से सवाब की उम्मीद रखते हुए उसके अजाब से डरते हुए उसकी इबादत करे इसमें सवाल नहीं है तो अरबी में दुआ बमाना इबादत भी इस्तेमाल होता है वाता न वकाल रुमनी अस्त जब लकुम इनदी न यस्तकू नबादती जहन्ना दाखरीन इसमें दुआ के दोनों माने आ गए और तुम्हारे रब ने फरमाया कि मुझसे दुआ करो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा ये तो सवाल हो गया और दूसरा बेशक वो लोग जो मेरी इबादत से तकबर करते हैं अनकरीब व जलीलुखार होकर जानना में दाखिल होंगे तो यहाँ इबादत का माना भी आ गया इबादत के लफ्ज के साथ यानी दुआ एक तरह से इबादत है तो दुआ इबादत क्या है कि इंसान अल्लाह से सवाब की उम्मीद रखते हुए उसके अजाब से डरते हुए अल्लाह की इबादत करे जैसे नमाज पढ़े रोज़ा रखे कुरआन की किरात करे तस्बीह करे सदका करे, करे अल्लाह की तरफ लोगों को दावत दे तालीम का काम करे तो इंसान इनमें से जो भी इबादत का काम करेगा वो दरअसल अल्लाह की तरफ रागिब होगा क्योंकि दुआ में रगबत पाई जाती है और जो शख्स मसलन नमाज पढ़ता है तो गोया वो जबान हाल से दुआ कर रहा होता है अल्लाह से बख्शिश मांग रहा होता है कि अल्लाह ताला हमारे ऊपर रहम कीजिए हमने जो गुनाह किए हैं आप उनको माफ कर दीजिए क्योंकि नमाज बजाते खुद क्या करती है बलाओं को टालती है गुनाहों को माफ करने का जरिए ठीक है अच्छा सदका क्या करता है गुनाहों की आग बुझाता है ठीक है ना तो ये जो गुनाहों की आग का बुझना है ये हम बोल के भी कह सकते हैं अल्लाह में जानम के अजाब से बचा तो वो हमारी जबान बोल रही होती लेकिन जब हम सदका दे रहे होते हैं तो गोया हमारा अमल जो है वो इसी चीज का तकाजा कर रहा है कि हम अपने ऊपर से गुनाहों का बोझ उतारना चाहते है तो एक दुआ सवाल के अंदाज में होती है और एक दुआ हाल के साथ बयान हो रही होती है अमल के साथ हो रही होती है और दूसरी जो दुआ मसला है जिसमें मांगने की दुआ होती है तो वो ये है कि इंसान दुनिया और आखरत की कोई भी भलाई तलब करने और दुनिया और आखरत के नुकसान को दूर करने का सवाल अल्लाह से ही करे दुनिया और आखरत की कोई भी भलाई मांगना और दुनिया और आखरत के किसी भी नुकसान से बचना ये बस अल्लाह ही से करे इसका सवाल ये दुआएं मसाला सवाल करने वाली यानी वो दुआ जिसमें हम सवाल करते हैं किन चीजों का कर सवाल करते हैं दुनिया और आखरत दोनों आखिरत नहीं भूलनी हबना आतना फिर दुनिया हसना तुम व आखिरत ही हसनाता तो दुनिया और आखरत की हसना मांगना और दुनिया और आखरत के अजाब से मुसीबत से बचना वकीना अजाबन्नार सबसे बड़ी मुसीबत तो आग है ना उसकी कोई तकलीफ इंसान को पहुंचे। नबी फरमाया, दुआ इबादत है काला अ दुआल इबादत अस्तुम तुम्हारे रब का फरमान है मैं पुकारने वाले की दुआ कबूल करता हूँ जब वो मुझे पुकारता है तो दुआ जो है ये इबादत की अकसाम में से सबसे अजीम किस्म है इमाम खत्ताबी अपनी किताब शुआ में कहते हैं इस हदीस की वजाहत करते हुए अदुआल इबादा वो कहते हैं कि दुआ इबादत का एक बड़ा हिस्सा है या सबसे अफजल इबादत है जैसे कि लोग कहते हैं लोग बनु तमीम है और माल ऊंट है यानी लोगों को देखना तो बनु तमीम को देखो मतलब सब लोगों से अफजल हैं नबी सल इसी से थे ना और उनकी तादाद भी ज्यादा थी और इसी तरह अरबों के यहा माल की सबसे बड़ी किस्म ऊंट हुआ करते थे वो कहते हैं। माल तो असल में ऊंट है और लोग तो बन तमीम ही है तो इसी तरह कहा गया दुआ तो इबादत ही है दुआल इबादा दुआ ही इबादत है अलहज अरफा तो इसका ये मतलब है कि सिर्फ अरफा में जाओ ये नहीं मतलब ये है कि जितने भी अरकान आप हज की अदा करते हैं उनमें से अरफा के दिन का क्याम अगर किसी ने पा लिया तो उसका हज हो गया और वो सबसे बड़ा दिन है जिसमे बख्शिश होती है तो ये अरबों के कहने का एक अंदाज भी है ना? और मुराद से क्या है कि दुआ सबसे अफजल इबादत है और सारी इतातों और सारी बंदगियों का मगज है कि इंसान अपनी हर परेशानी और हर जरूरत में अल्लाह की तरफ मुतव हो जाए ये है असल मकसद अगर किसी मुश्किल में पड़ गया है तो उस मुश्किल के दूर होने के लिए बस अल्लाह ही की तरफ रुजू करे और उसी का इंतजार करे कि वो ही काटेगा लोगों से तो हाथ हटा ले इसका मतलब नहीं कि हम लोगों से हेल्प ले नहीं सकते आप लोगों से हेल्प ले सकते हैं, आप उनको बता सकते हैं कि आप किस मुश्किल में और उसका हल क्या है लेकिन उनसे तवक् न रखे कि ये मेरी मुश्किल हल कर देंगे मसला आपको कोई प्रॉब्लम हुई है आप किसी से मशवरा करना चाहते है आप किसी से काउंसलिंग लेना चाहते है आप जरूर लें लेकिन ये तो न रखें कि ये आपका मसला हल कर देगा या बस यही आपके लिए सब कुछ हो गया उसको अल्लाह सब से आगे न रखें कहते हैं ना हिम्मत मरदा मदद खुदा हिम्मत आपने करनी है कोशिश आपने करनी है। मदद अल्लाह ने करनी है दुआ की भी हिम्मत होती है और दुआ के लिए भी एक एफर्ट लगानी पड़ती है और उसके लिए यकसू होना पड़ता है खसूस आप देखें कि जब किसी बड़ी परेशानी के नतीजे में इंसान के होश उड़ जाते हैं औसान खता हो जाते हैं उसको कुछ समझ नहीं आती तो ऐसी सूरत में इंसान अपने ख्याल को मुजतमे करके फोकस करके पूरी तवज्जो के साथ अल्लाह की तरफ जब मतवज होता है तो ये है असल में दुआ की रूह और न सिर्फ ये कि बड़ी मुश्किल में बल्कि छोटी छोटी जरूरियात में भी अल्लाह की तरफ रगबत करनी चाहिए दुआ की जरूरत की है हमारी जिंदगी में क्योंकि हम अल्लाह के मोहताज हैं बादशाह वही है हम फकीर हैं या अय्युह الناس अंतुम الفقراء الى الله ऐ लोगों तुम सब अल्लाह के मोहताज हो कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं अपने सब काम खुद ही कर सकता हूँ, वल्लाहु हुल गनीयुल हमीद और अल्लाह सबसे बेपरवाह है और तारीफ के लायक है बंदों में से कोई भी बेपरवाह नहीं हो सकता हम सब मोहताज हैं दूसरी बात अल्लाह सारे खजानों का मालिक है व इम मिन शैئ इंदना इन कोई चीज ऐसी नहीं वह इम इन इल्ला इंदना खजा इन जिसके खजाने हमारे पास ना हो आप कोई चीज ऑर्डर करना चाहते हैं तो पता चलता है वो तो है ही नहीं खत्म हो गई स्टॉक खत्म आउट ऑफ स्टॉक बड़ी से बड़ी कंपनी बड़े से बड़े रिसोर्सेज रखने वाले इंसान इंसानों से जब आप मांगते हैं तो आप देखें क्या होता है कि इंसान बाजोकत वो ऊपर जाके इतनी नीचे गिरते हैं कि पाई पाई के मोहताज हो जाते हैं ऐसी मिसालें आपने भी देखी होंगी सुनी भी होंगी कि कहा उनके पास बहुत कुछ था और कहा वो जीरो पे आ गए अल्लाह ताला ऐसा नहीं है हमेशा से है उसके पास और हमेशा रहेगा सारी मखलूक अगर किसी मैदान में जमा होकर सब कुछ मांगे तो भी अल्लाह ताला के खजानों में इतनी कमी नहीं आती जितनी एक सुई को समुन्द्र में डबो के निकाला जाए तो पानी जो सुई के साथ लगता है इतनी भी कमी नहीं होती वो जितना चाहे खर्च करता रहे जितना चाहे वो बंदों को देता रहे फिर भी उसके हाथ भरे रहते हैं उनमें कोई कमी नहीं होती एक और आयत में आता है मुनाफिकून में आसमानों और जमीन के खजाने अल्लाह के पास है फिर क्या करना चाहिए उसके पास जाना चाहिए जिसके पास कोई खजाना नहीं है उसके पास जो सारे खजानों का मालिक मुश्किल ये है कि हमारे मांगने में कमी होती है देर होती है वो सब कुछ दे सकता है सब कुछ है उसके पास यू नेम इट आप घर जाके बैठे गौर करें नमाज के बाद किसी और खामोशी तनाई के वक्त मुझे क्या चाहिए मुझे क्या मसला है मुझे क्या प्रॉब्लम है मेरी क्या परेशानी है क्या अल्लाह के पास इसका हल है यकीन है वो कर सकता है बिल्कुल कर सकता है पर मुझे क्या करना चाहिए उसी से मांगना चाहिए उससे गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के मांगना चाहिए उससे अपनी मोहताजी और अपनी बेचारगी का इजहार करके मांगना चाहिए अब मैं यू जीबुल मुस्तर्राजादापुस् अल्लाह तला आपसे पूछते हैं, कौन है जो बेकरार की मुस्तर बेकरार बेचैन इंसान की बात सुनता उसको जवाब देता और मैं यू जीबुल मुस्तर इजाद आओ जब भी वो उसको पुकारता है वह वो तकलीफ को दूर भी करता है ऐसा नहीं कि वो सिर्फ सुन रहा है उसने वो तकलीफ दूर भी कर देनी है और आप कहेंगे बस इतनी सी बात थी मैं इसको इतना पहाड़ बनाये हुई थी अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा मसला बनाया हुए थी और अल्लाह तला के लिए बस इतनी सी बात थी मेरे मांगने में कमी थी उसके पास नहीं कमी हमारी दुआ में कमी है हमारे इखलास में कमी है उसके देने में कमी नहीं है इस तरह पुकारा करें ना कि अल्लाह आप तो देकर किसी कमी का शिकार नहीं होते लेकिन मेरी कमी पूरी हो जाएगी फिर आप देखें हर भलाई देने और हर तकलीफ दूर करने पर कादिर है सूरतला नाम में आता है वह इम इल्लाहु वह इम सस का बेखीर फह कुल्ले श अगर अल्लाह तुझे कोई तकलीफ पहुंचाए तो उसके सिवा कोई दूर करने वाला नहीं और अगर वो तुझे कोई भलाई पहुंचाए तो वो हर चीज पर पूरी तरह कादिर है वो सब कुछ कर सकता है वो कादिर है न आपकी कोई खैर और भलाई को ले जा सकता है क्यूँकि आमतौर पर हम वहम का शिकार रहते है कि अगर मेरी इस नमत का किसी को पता चल गया तो फिर क्या होगा शायद वो नजर ही लग जाए और नमत छीन नहीं जाए हर वक्त इस वहम का शिकार रहना दरअसल अपने आप को टॉर्चर करना है नहीं वह अगर कोई को खैर दी है वह हुआ, कदीर, वो हर चीज़ पे हुआ भी रखेगा उसने इसलिए थोड़ी दी है कि बस एक बंदा कोई देखे उस चीज को और बस वो वापस ले लेसा नहीं करता एक रिवायत में आता है की एक शख्स ने रसूल अल्लाह सलम से पूछा अल्लाह के रसूल आप किन चीजों की दावत देते हैं यानी आपकी दावत क्या है आप क्या बताते हैं लोगों को आप क्या सिखाते हैं आपने फरमाया मैं उस अल्लाह की तरफ दावत देता हूँ जो अकेला है वो अल्लाह के जब तुम पर कोई मुसीबत आती है और तुम उसे पुकारते हो तो वो तुमसे तुम्हारी मुसीबत दूर कर देता है ये अल्लाह का तारुफ जब आपके बच्चे आपसे पूछे अल्लाह कौन है तो आप क्या बताते हैं ये बड़े बड़े लफ्स बोलते हैं ना ये देखे यहाँ पर क्या बोला गया इतने सिंपल आप बच्चे को कह सकते हैं अल्लाह वो है जो तुम्हें खाना देता है अल्लाह वो है जो तुम्हें फला चीज देता है तुम्हें मामा बाबा दिए हैं जो जो बच्चे की जरूरत होती है एज के हिसाब से आप उस एतबार से, से बच्चे को अल्लाह का तारुफ करा सकते है उन चीजों के साथ जो नजर आती है और जो उसकी पसंद की है कि वो है अल्लाह फिर आपने फरमाया कौन है अल्लाह की जब तुम किसी बयाबान और जंगल में रास्ता भूल जाओ और तुम उससे दुआ करो तो वो तुम्हें वापस पहुंचा देता है और सिर्फ जंगल बयाबान ही अब तो खैर जीपीएस वगैरह की सहलत मौजूद है इसके बावजूद भूल जाते हैं ना इसके बावजूद गलत टर्न ले लेते हैं कभी पहले और कभी बाद में जीपीएस फ्रीज हो जाते हैं नेट चला जाता है रोड मैप खत्म हो जाता है कई मसाइल हैं तो कभी भी रास्ता भूलें तो हम पहली बात ये सोचे कि अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह रास्ता दिखा दे रास्ता भूलने पर मुझे कभी टेंशन नहीं मैं हमेशा सोचती हूँ अल्लाह पहुंचा देगा हो जाएगा कोई मसला नहीं अल्लाह के तो इल्म में है ना मैं तो कहती हूँ कि आपको पता है ना कहाँ है बस वहां ले है हमें नहीं पता आपको तो पता है ना तो जब आप अल्लाह से मांगते हैं कभी लाड प्यार से कभी उसकी किसी सिफत का वास्ता देकर कभी अपनी आज़ी जी मोहताजी जाहिर करके तो वो जरूर सुनता है फिर फरमाया वो के जब तुम कहत साली में मुबतला होते हो और तुम उससे दुआ करते हो तो वो तुम पर पैदावार जाहिर कर देता है यानी तुम्हारी पैदावार उगा देता है जमीन से ये है अल्लाह ये अल्लाह का तारुफ फिर आप देखिए कि हम क्यों अल्लाह से मांगे क्योंकि जमीन और आसमान की सारी मखलूक अल्लाह ही से मांगती है तो हम क्यों ना मांगे आप और कीजिए जरा इस बात पर यस अलूहू मन फिमा कुल मिन हुआ फी शान उसी से मांगता है जो कोई आसमानों और जमीन में है हर दिन वो एक नई शान में है उसी से मांग रहा है। हर कोई जो आसमानों और जमीन में है हर कोई कौन कौन है आसमानों और जमीन में आसमानों में फरिश्ते हैं जिनको हम जानते हैं जमीन पर इंसान और जिन्नात हैं इसके अलावा जो और मखलूकत हैं वो सारी मखलूक अल्लाह से मांग रही है अगर सारी मखलूक अल्लाह से मांगते और हम किसी और से मांगना शुरू कर दें गैर अल्लाह से मांगे तो कितनी हमाकत वाली बात है ना अल्लाह ने अकल इसीलिए दी थी कि हम अल्लाह ही को ना पहचाने तो अल्लाह सब से सवाल करने के अतबार से चार तरह के लोग हैं इमाम अबिन तैमिया कहते हैं बस तमाम आसमानों और जमीन के लोग अल्लाह से सवाल करते हैं तो उनके चार दर्जात बन जाते हैं पहली किस्म कुछ वो लोग होते हैं जो ना ही अल्लाह की इबादत करते हैं ना ही उससे मदद तलब करते हैं हालांकि अल्लाह ने उनको पैदा किया उनको रिस्क दिया उनको आफियत दी तो ये कौन है ना अल्लाह की इबादत ना ही उससे दुआ कुछ भी नहीं कोई ताल्लुक नहीं दूसरी किस्म के वो लोग होते हैं जो अल्लाह से मदद तलब करते हैं तो वो उनकी मदद कर देता है लेकिन वो अल्लाह की इबादत नहीं करते इबादत नहीं करते हाँ जब कोई मसला पेश आता है तो फिर क्या करते है? फिर दुआ कर लेते ऐसे लोग आपने देखे होंगे नमाज नहीं रोजा नहीं सदका खरा कुछ नहीं हाँ कोई मुश्किल पेश आए तो फिर अल्लाह से दुआ करते हैं तीसरी किस्म के कुछ वो लोग होते हैं जो अल्लाह की इबादत और एता तलब करते हैं लेकिन ना ही उसे मदद मांगते हैं ना उसपे तोल करते नमाज रोजा कर लेंगे दुआ नहीं करते कहते हैं अल्लाह को पता ही है ना क्या चाहिए अब मांगना किस लिए नहीं अल्लाह ताला खुद फरमाते वकाल और अबू को मुद नहीं तुम्हारा रब कहता है मुझसे दुआ करो तो क्यों ना दुआ करे हमें दुआ करनी है चौथी किस्म के वो लोग होते हैं जो अल्लाह की इबादत भी करते हैं और उससे दुआ भी करते हैं उससे मदद भी तलब करते हैं तो अल्लाह ताला अपनी इबादत और इताद पर उनकी मदद करता है जैसे हम कहते हैं रबी आईन निक्री का व शुक्र का व हुस्न इबादत तो अल्लाह ताला मदद भी फरमाता है अब हम अपने आप को देखें कि हम कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं हम कहा हैं क्या हम उन लोगों में हैं जो इबादत भी करते हैं और दुआ भी करते हैं तो ये टॉप क्लास के लोग हैं और बाकी अल्लाह ताला के हक में कभी कोताही करते हैं तो हमें दुआ करते रहना चाहिए अल्लाह ताला को पुकारते रहना चाहिए हर जरूरत में हर मकसद में हर परेशानी में हर दुख में हर बीमारी में हर मौके पर हर चीज के लिए छोटी से छोटी चीज के लिए बड़ी से बड़ी चीज के लिए अल्लाह ही से मांगना चाहिए क्योंकि वो दे कर एहसान नहीं जताता वो देकर शर्मिंदा नहीं करता वो दे कर हमसे वापस नहीं मांगता वो बगैर शर्त के देता है गैर मशरूत देता है وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. أُجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. أُجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ली तो हमें मांगते रहना चाहिए क्योंकि वो करीब है वो मुजीब है अल्लाह सुबह अपने बंदों को खुद फरमाता है की अल्लाह से उसके फजल का सवाल करो ये अल्लाह का हुक्म है सूरत में आता वस अल्लाह मिन फजली और अल्लाह से उसके फजल को मांगो की अल्लाह अपना फजल फरमा फजल क्या होता है जो हम डिजर्व नहीं करते ना अपनी इबादत की वजह से न किसी मेहनत की, की वजह से न किसी काबिलियत की, की वजह से न किसी हुनर की वजह से हम डिजर्व नहीं करते लेकिन आप दे सकते हम फिर भी आपसे मांगते आप हैं चाहे हम इस काबिल नहीं लेकिन फिर भी आपसे मांग आप हमें अता कीजिए और अल्लाह तला को ये बात पसंद है कि बंदे उससे मांगे क्योंकि बंदे को जब किसी चीज की जरूरत होती है ना और वो उसको अल्लाह ताला से मांगता है तो वो अल्लाह ताला के साथ कनेक्ट हो जाता है अल्लाह ताला को याद करता है उसके सामने अपनी हालत का इजहार करता है अपना दुख अपना शिकवा अपना गम अपना रंज अपनी परेशानी उसको सुनाता है जो सुनकर आगे नशर नहीं करता जब हम बंदों के सामने अपनी किसी परेशानी का जिक्र कर देते हैं तो बाजोकत क्या करते हैं वो आगे बयान कर देते हैं और यूं आपके राज खुल जाते हैं आपका मरतबा और मकाम लोगों की निगाह में गिर जाता है कुछ लोग आपसे हसद करने लगते हैं कुछ लोग आपकी तकलीफ पे खुश होते हैं तो इसलिए हमें अल्लाह सुबहान सामने ही अपने रंज और दुख की फरियाद रखनी चाहिए अल्लाह तला अपने बंदों को हर चीज को उसी से मांगने का हुक्म देता है अब हर चीज में क्या है सही मुस्लिम की रिवायत है अब उजर फारीह कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब तबारक वाला वा से रिवायत करते हैं कि बेशक अल्लाह ताला फरमाता है ऐ मेरे बंदो तुम सब गुमराह हो सिवाय उसके जिसे मैं हिदायत दू बस तुम मुझसे हिदायत मांगो मैं तुम्हें हिदायत दूंगा नंबर वन दुआ क्या होनी चाहिए हिदायत की दिन की हर रकत में हम एक दिन अस्से मुस्तकीम मांगते हर काम में हमें गाइडेंस चाहिए हमें क्लैरिटी चाहिए चाहे दीन का काम हो चाहे दुनिया का काम हर चीज में हमें सही रास्ता सही स्ट्रेटेजीज इख्तियार करने की जरूरत होती है तब वो काम हो पाता है और इस तरह सारी कंफ्यूजन भी दूर हो जाती सारी परेशानी भी दूर हो जाती कि मैंने अल्लाह से दुआ कर ली अल्लाह ताला आप मुझे सही तरीका बता दे मुझे इस काम को कैसे लेके चलना है तो हर मोड पर हर काम में हमें हिदायत की जरूरत होती है तो दिन से मुस्तकीम फिर फरमाया ऐ मेरे बंदो तुम सब भूखे हो सिवाय उसके जिसे मैं खिलाऊ तो तुम मुझसे खाना मांगो मैं तुम्हें तो खाना खिलाऊंगा सुबह अल्लाह सबसे बड़ी जरूरत हिदायत के बाद इंसान की क्या है खाना जो उसको दिन में कई बार खाना पड़ता है और इंसान सबसे ज्यादा परेशान भी इसके लिए होता है और माल का सबसे बड़ा हिस्सा भी इसी पे खर्च होता है यानी दिन में अगर आप देखें तो आप हर रोज अपना लिबास नहीं खरीदते हर रोज आप अपनी टॉयलेटरीज नहीं खरीदते हर रोज अपनी और चीजें नहीं खरीदते बर्तन नहीं खरीदते कटरी ज्वेलरी ये सब रोज थोड़ी खरीदा जाता है लेकिन खाना तो डेली चाहिए खाना तो डेली कंज्यूम करना है तो उससे मांगो और खास तौर पर अगर कुछ खास खाने को दिल चाहता है वो भी उससे मांगो न्यूट्रिशियस चाहिए होलसम चाहिए सेहतमंद चाहिए क्योंकि सारी बीमारियां ही खाने से पैदा होती हैं यानी खाना मांगो सिर्फ ये नहीं कि है नहीं बल्कि अच्छा खाना मांगो तो अल्लाह ताला खिलाएगा ऐ मेरे बंदो तुम सब बरहना हो सिवाय उसके जिसे मैं लिबास पहनाऊ तो तुम मुझसे लिबास मांगो मैं तुम्हें तो लिबास पहनाऊंगा बाजुकात इंसान को कोई खास चीज पहनने को दिल चाहता है मांगे अल्लाह से अल्लाह देगा ऐ मेरे बंदो तुम सब दिन रात गुनाह करते हो और मैं सारे गुनाहों को बख्श देता हूँ तुम मुझसे बख्शिश मांगो मैं तुम्हें बख्श दूंगा क्यों अपने ऊपर बोझ लिए फिरते हो कितने गुनाह कर लिए बहुत लेट कर दिया पता नहीं अब मेरी माफी होगी या नहीं अब मैं क्या करूं वो माफ कर देगा मांग कर तो देखो ऐ मेरे बंदो अगर तुम्हारे अवलीन और आखरीन और जिनो इंस एक साफ चटियल मैदान में खड़े होकर मुझसे मांगने लगे और मैं हर एक को जो मुझसे मांग रहा है वो सब कुछ दे दू जो वो मांग रहा है तो मेरे खजानों में कोई कमी नहीं होगी मगर जितनी समुन्दर में सुई डालकर निकालने से कमी आती कुछ कमी नहीं मांगो उसका तो कुछ नहीं बिगड़ता उसका तो कुछ कम नहीं होता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अल्लाह से मांगने का हुक्म दिया है अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं एक दिन वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सवार थे तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया ए लड़के मैं तुझे चंद कलिमात सिखा रहा हूँ अहफज अल्लाह या का तुम अल्लाह के अहकाम की हिफाजत करो अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा अहफजिदाह अल्लाह की हिफाजत करो यानी अल्लाह ताला के अहकाम की तुम उसे अपने सामने पाओगे करीब पाओगे इदास अलताह जब तुम्हें मांगना हो अल्लाह से मांगो जब तुम्हें मांगना हो कुछ भी मांगना वह इदस्ता अन तफस्ता इन बिल्ला और जब मदद चाहिए अल्लाह से मदद मांगो किसी भी तरह की मदद नहीं, मदद सिर्फ माली मदद नहीं होती या मदद सिर्फ इन चीजों के नहीं होती ऊपर जिन चीजों का जिक्र हुआ है मदद तो हमें हर काम में चाहिए होती हम कौन सी लाइन इख्तियार करें कौन सा पेशा इख्तियार करें कौन सी जॉब लें कौन सी ना लें क्या करें क्या ना करें फलान जगह जाना है जाए या ना जाए हर हर मामले में और ये जो हमें इस्तखारा सिखा दिया गया तो ये भी तो यही है और इस इस्ते में भी आप देखिए का इबादी अन्नी करीब तो भी आप देखिए बीच में वास्ता नहीं रहा ना तो हम किसी से नहीं कह सकते आप मेरा ही खैर मांगे आप वसल्लम ने अब्बास से कहा जान रखो अगर सारी दुनिया मिलकर भी तुम्हें नफा पहुंचाना चाहे तो तुम्हें नफा नहीं पहुंचा सकती सिवाय उसके जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया और अगर वो सारे मिलकर तुम्हें कोई नुकसान देना चाहे नुकसान नहीं दे सकते सिवाय उसके अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया कितना बड़ा तवक्ल सिखाती है ये बात कितनी फिक्रे परेशानियां दिल से और दिमाग से बिल्कुल ऑफलोड हो जाती कुछ नहीं होता कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता हम डरते रहते हैं ना कभी फ्यूचर से डरते हैं कभी लोगों से डरते हैं कभी किसी बीमारी से डरते हैं कभी भूख फकरो फाका से डरते हैं कभी अपने औलाद के बारे में डर रहे होते हैं फिक्र कर रहे होते हैं इनका क्या बनेगा इनके ईमान का क्या होगा इनके खाने पीने का क्या होगा इनके रहने का क्या यही फिक्रे तो है हमारी जिनमें हम डूबे रहते हैं अल्लाह ने हमें सिर्फ इन फिक्रों के लिए थोड़ी भेजा है हमें तो अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए भेजा था अल्लाह ने हमें बड़े काम करने के लिए भेजा हमने अपने आप को छोटी छोटी चीजों में उलझा बीमार कर लिया और उन्हीं के अंदर ही घूमते रहे और उन्हीं की फिक्र करते रहे और उन्हीं के बोझ तले दबे रहे जबकि हमें तो गुम तुम खैरा उम्मत लिन्नास तुम बेहतरीन उम्मत हो तुम्हें तो इंसानियत के लिए पैदा किया गया था तुम्हें तो औरों के लिए पैदा किया गया था कि तुम खुद भी हिदायत पर और उन्हें भी अल्लाह की तरफ बुलाओ और तुम सिर्फ अपनी ही जात में खो गए और सिर्फ अपने ही गम लेकर बैठ गए और सिर्फ अपनी ही परेशानियों में दिन रात रहे इन सब चीजों को तो अल्लाह के हवाले करने की जरूरत है वो टेक केयर करेगा इन तंसुरह यांुर अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और वो जरूर करेगा तुम औरों की फिक्र करो अल्लाह तुम्हारी करेगा तो इसलिए हमारे करने का काम क्या अहफज अल्लाह या का हिफाजत चाहिए तुम अल्लाह ताला के अहकाम की हिफाजत करो जो तुम्हे कहा जा रहा है वो पाबंदी से करो बाकी काम अल्लाह का है और फिर अहफज अल्लाह तजिद तुजाक जब तुम अल्लाह के बन जाओगे ना तो फिर अल्लाह को बहुत करीब पाओगे फिर आप देखिए देखिये अल्लाह के नजदीक दुआ से ज्यादा कोई चीज मुआजत नहीं दुआ इंसान को इज्जत देती है जब इंसान बंदों के आगे हाथ फैलाता है तो जलील होता है और जब अल्लाह से मांगता है दो हाथ उठा के बंदों के सामने तो हम एक हाथ फैलाते हैं और अल्लाह के सामने दो हाथ फैलाते हैं और जब इंसान अल्लाह से मांगता है तो अल्लाह उस बंदे से मोहब्बत करता है और उस बंदे को देता है नवाजता है और इज्जत देता है अपनी जनाब से देता है और जब बंदों से मांगते हैं तो वो कभी देते हैं कभी नहीं देते और कभी दे के अजियत भी देते हैं और फिर एहसान जताते हैं दुख देते हैं जलील करते हैं बाजोकात आपकी अना को मजरू कर देते हैं आपकी इज्जत को मजरू कर देते हैं आपको बाजुकत बदनाम कर देते हैं तो अल्लाह के नजदीक दुआ से ज्यादा कोई चीज़ मज्ज़ नहीं लई सश उन अक्रम अल्लाह मिनत दुआ फिर ये अल्लाह ताला दुआएं सुनता है वलना हमें पुकारा तो हम बहुत अच्छे कबूल करने वाले है हमने उनकी सुनी हमें क्यों बताया जा रहा है ताकि तुम भी पुकारो तुम्हारी भी सुनी जाएगी इब्राहिम ने क्या कहा था इन न रबी समी दुआ मेरा रब तो यकीन दुआ सुनने वाला है वो तो जरूर सुनता है और फिर खास तौर पर जो मुस्तर हो बेचैन हो बेकरार हो लाचार हो अम्मई युजीबल मुस्तर इजादा व फुसू ये लाचार कौन होता है इबन अब्बास कहते हैं इससे मुराद वो शख्स है जिसकी ऐसी जरूरत हो जो उसको मशक्कत में डाल दे यानी मुसीबत में पड़ जाए इंसान चाहे अंदर कल भी रूहानी तौर पर चाहे माली तौर पर चाहे सेहत यानी किसी भी अतबार से जो चीज़ उसको मुश्किल में डाल दे मशक्कत में ये लाचारी होती है ये कहते डिपेंडेंसी जैसे हो जाती है दूसरों पर सुद्दी कहते हैं कि इससे मुराद वो शख्स है जिसके पास कोई हीला चारा कुत बाकी ना रहे यानी दुनिया में उसका कोई वसीला सबब नहीं रहा तनहा रह गया वो सुनता है जुनून कहते हैं इससे मुराद वो शख्स है जो अपने ताल्लुका को अल्लाह के सिवा सबसे काट दे बस अल्लाह ही है मेरा अबू जाफर कहते हैं कि इससे मुराद मुफलिस शख्स है जिसके पास कुछ नहीं सहल बिन अब्दुल्ला कहते हैं इससे मुराद वो शख्स है जो अपने हाथ दुआ मांगते हुए अल्लाह की तरफ बुलंद करता है ऊपर उठाता है हाला उसके पास इतात का कोई नेकी का काम नहीं होता जिसको वो वसीला बना सके लाचार अब हर जगह से मायूसी हो गई अब एक ही रास्ता है और वो रास्ता शैतान कहता है तुम तो इतने नाफरमान हो तुम्हारी नहीं सुनी जाएगी नहीं वो फिर भी सुनता है अम्म युजीबुल मुस्तर असल में बंदे तो हम अल्लाह ही के हैं ना चाहे हम अल्लाह को अपना बनाए या ना बनाए है तो उसी के जाना तो उसी की तरफ है दुनिया में भी उसी की तरफ जाने की जरूरत पेश आती है और फिर आप देखिए अल्लाह तला का कबूलियत का वादा भी है और वो बंदों की हाजत पूरी करता है अल्लाह तला खुद पुकारते हैं जब रात का इतिहाई हिस्सा बचता है आसमानी दुनिया पे नजूल फरमा के अल्लाह तला फरमाते हैं कौन है जो मुझसे दुआ करे तो मैं उसकी दुआ कबूल करूँ कौन है जो मुझसे बख्शिश तलब करे तो मैं उसे बख्श दू कौन है जो मुझसे रिस्क मांगे तो मैं उसको रिस्क अता करूं कौन है जो तकलीफ दूर करने की दरख्वास्त करे तो मैं उसकी तकलीफ दूर करूं और ये ऐलान फजर के तुल्ह होने तक होता रहता है तो अल्लाह ताला पुकार रहे कि मांगो मुझसे अब देखिए अगर कभी आपके पेरेंट्स में से कोई या कोई बड़ा या अगर आपसे कहे कि अच्छा मांगो क्या मांगते हो फरमाइश करो क्या करते हैं हम हमारा हाल क्या होता है बहुत खुश हो जाते हैं इतनी बड़ी ऑफर आ गई है करो फरमाइश क्या चाहिए ज्वेलरी चाहिए कपड़े चाहिए जो चाहिए मांगो तो हमारा खुशी से ऐसा हाल होगा कि हमें ये भी याद नहीं रहेगा कि अब मांगना क्या है अल्लाह व तआला रोज हमें पुकारते हैं करो फरमाइश मांगो कुछ मांगो और हम मांगते ही नहीं जाग भी जाए तो हम मांगते नहीं मांगने की जरूरत है अब देखिए दुनिया के, के बादशाह जब कोई सवाली आता है कोई बैगर आता है वो दरवाजा बंद कर देते हैं जो इंसान दो से तीन दफा आपसे कुछ मांग चुका हो जब आप उसको देखते हैं तो वो मोड़ के चल देते हैं फिर आ गया है फिर कुछ मांगेगा क्या अल्लाह तला भी ऐसे करते हैं सौ बार आए आप उसके पास सौ बार अता करेगा वो अपना दरवाजा बंद नहीं करता वो अपनी दौलत नहीं छुपाता वो तुम्हारे लिए हर रोज रात को दरवाजा खोलता है आ जाओ तुम तो मेरी तरफ मांगो मुझसे इमाम इबन कयम कहते हैं अल्लाह जिसके साथ खैर का इरादा करता है उसके लिए जिल्लत का आजजी का अल्लाह की बारगाह में पनाह पकड़ने और मोहताजी जाहिर करने का दरवाजा खोल देता है यानी उसको दुआ मांगना आ जाता है और जिसको दुआ की तोफीक मिल गई उसको हर खैर मिल गई तो असल चीज ये है कि दुआ की तोफीक हो जाए दुआ मांगना शुरू कर दे अब देखिये इस नियत से भी ये प्रोग्राम रखा गया था कि हम रोज दुआ के बारे में कुछ सुने फिर दुआ के मतलब को समझे दुआ 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 करते रहे ताकि हमें दुआ मांगना आ जाए यानी इसका होल सोल गोल है इस प्रोग्राम का वो ये कि हमें दुआएं मांगना आ जाए हम दुआओं के शौकीन हो जाए दुआ मांगने से मोहब्बत करने लगे दुआओं के ऊपर यकीन करने लगे कि अल्लाह ताला सुनता और जरूर सुनेगा और हमारे सारे बोझ उतर जाए और हम सारे अपने मामला अपने रब के सपुर्द कर दे और हम दुनिया में भी एक अच्छी जिंदगी बसर करें और आखरत में भी इमाम अबिन तैमिया कहते हैं जब अल्लाह किसी बंदे के साथ खैर का इरादा करता है तो उसके दिल में दुआ मांगने और उससे मदद तलब करने का इल्हाम कर देता है अल्लाह से मांगो उसके दिल में डाल देता है और अल्लाह उसके मदद तलब करने और उसके दुआ मांगने को उसके लिए खैर का जरिया बना देते हैं जिसके लिए उसने मदद तलब की होती है यानी उसका रास्ता निकल आता है तो दुआ मांगने के फायदे क्या है दुआ हर हाल में इंसान को फायदा देती है नंबर एक दुआ मांग रहे होते तो आप इबादत कर रहे होते ये अजर अलग लिखा जाता है अल्लाह ताला की पसंद का काम कर रहे होते हैं अल्लाह ताला से कनेक्टेड होते हैं और फिर या तो दुआ फौरन कबूल हो जाती है जो मांगा वो उसी वक्त मिल जाता है या फिर ये कि कोई ऐसी मुसीबत टल जाती है जो आने वाली थी और आपकी इस दुआ की वजह से वो मुसीबत चली गई रसूल अल्लाह वसल्लम ने फरमाया दुआ फायदा देती है उसके बारे में भी जो कुछ नाजिल हो चुका है और उसके बारे में भी जो नहीं उतरा बस अल्लाह के बंदो तुम पर दुआ करना लाजिम है यानी जो मुसीबतें आ गई है उनको भी दूर करेगी दुआ और जो अभी नहीं आई उतर रही है उनको भी दूर कर देगी आने वाली मुश्किल को भी हटा देगी फिर ये अल्लाह ताला अपने मांगने वालों को खाली हाथ नहीं लौटाता हदीस में आता है बेशक अल्लाहबल्ला को इस बात से हया आती है की उसका कोई बंदा उसके सामने हाथ फैला कर किसी खैर का सवाल करे और वो उन्हें खाली लौटा दे की कुछ भी न डाले उसमे ऐसा नहीं होता अनस रजिया है रसूल सलम ने फरमाया बेशक अल्लाह बड़ा रहीम है बड़े कर्म वाला है उसको इस बात से शर्म आती है कि उसका कोई बंदा उसके आगे अपने दोनों हाथ फैलाये और वो उन दोनों में कोई खैर न डाले वो ऐसा नहीं करता जो मुसलमान भी अपनी हाजत अल्लाह के आगे रख देता है अल्लाह ताला उसे जरूर नवाजता है जरूर देता है रसूल वसल्लम ने फरमाया जो मुसलमान अपना चेहरा अल्लाह के सामने गाड़ कर यानी पूरे फोकस्ड तरीके से तवज्जो के साथ किसी चीज का सवाल करता है वो उसको वो चीज जरूर अता करता है हा जल्दी अता करे या जखीरा करके रख ले उसके लिए अगली दुनिया में अता करे लेकिन मिलता जरूर है और फिर आप देखिये इस आयत में अल्लाह तला ने कोई शर्त नहीं रखी यानी जो मांगोगे मैं दूंगा ये नहीं कहा तुम ये करके आना फिर मैं दूंगा बाद में कहा कि ठीक है तुम भी मेरी बात माना करो रिकमेंडेड है ये बात लेकिन शर्त नहीं है कि तुमने मानी तो फिर ही मैं भी तुम्हारी मानूंगा और फिर आप देखिए कि ये हमारा फर्ज बनता है कि हम अपनी दुआ में इखलास पैदा करें वरना अल्लाह ताला तो हर एक को नेक बद गुनागार हत्या की अबलीस की भी दुआ कबूल कर लेता है दुआ के सब तकदीर बदल जाती है हदीस में आता है कजा को सिर्फ दुआ ही बदल सकती है और नेकी के अलावा कोई चीज उम्र को नहीं बढ़ा सकती नेकी करते जाओ इनशाला उम्र भी लंबी होगी और नेकियों की मजीद तोफीक होगी दुआ की वजह से आजमाइशें टल जाती हैं इमाम गजाली कहते हैं बस जान ले कि कजा कदर में से ये भी है की अल्लाह आजमाइशों को दुआ के जरिए टाल देता है चनाचे दुआ आजमाइशों और बलाओं को टालने और रहमत के हसूल का सबब है जैसा कि ढाल तीरों को टालने और वापस लौटाने का सबब है यानी कि जो शील्ड है उससे आप प्रोटेक्टेड होते हैं, और जैसे पानी जमीन से नबातात निकालने का सबब है यानी आप पौधा लगाते हैं, उसे पानी लगाते हैं तो उसमें से कुछ निकल आता है जिन लोगों के गार्डन हैं वो तो ये तजर्बा करते ही होंगे कि जब समर आती है और वो डालते हैं कुछ तो फिर उसमें से नन्नी उन्नी कोम्पले निकलती हैं लेकिन अगर नहीं तो मैं आप सबको रिकमेंड करूंगी कि अल्लाह अल खालिक की तखलीक को देखने के लिए घर में ही कोई मट्टी का पॉट रख लीजिए और उसमें कोई बीज डाल दीजिए और उन बीजों के फूटने और छोटी छोटी कॉम्पले निकलने के अमल को देखिए आपको अल्लाह पे इतना प्यार आएगा इतनी मोहब्बत आएगी ये अल्लाह की तखलीक की निशानियां है ना और इससे अल्लाह की पहचान होती है इंसान अल्लाह के करीब होता है अल्लाह की कुदरत नजर आती तब तो इमाम गजाली कहते हैं कि जैसे पानी जमीन में डालें और बीज से कुछ निकलेगा ये पानी डालना सबब है बीज फूटने का ऐसे ही दुआ सबब है खैर मिलने का मांगो ताकि तुम्हें मिले बहुत कुछ तो वो हमें बिन मांगे भी दे रहा है हमने वो मांगा भी नहीं होता जो कुछ वो हमें देता है लेकिन उससे ज्यादा अगर तुम मांगोगे तो फिर वाला वो क्यू नहीं देगा और फिर वो कहते हैं कि जैसे ढाल तीर को लौटाती है और दोनों एक दूसरे की मुदाफत करते हैं इसी तरह दुआ और आजमाइश आपस में जोर आजमाई करते हैं आजमाइश ऊपर से उतर रही होती है और दुआ नीचे से चढ़ती है और बीच में जाके वो उनकी लड़ाई होती है दुआ कहती है वापस चलो इस बंदे पे नहीं आना तो इसलिए बहुत जरूरी है की हम अल्लाह ताला से मांगते रहे और आप देखे कितनी दुआए ऐसी है जिन्होंने तारीख का रुख फेर दिया शर ऐसी खैर की तरफ बेहतर से बेहतरीन की तरफ

अब वो मामा कहते हैं मैंने कहा अल्लाह के रसुल आपके इस काम की इब्तदा कैसे हुई यानी आपने ये जो सब कुछ किया है बिगिनिंग कहाँ से थी कहा मेरे बाप इब्राहिम की दुआ से आप भी अपने बच्चों के लिए नस्लों के लिए अपने शागि के लिए दुआएं किया करें मालूम नहीं उनमें से कौन आपकी दुआ की वजह से कोई ऐसा खैर का, का काम कर जाए जो आपके लिए बेहतरीन सद का जारिया बन जाए तो दूसरों के लिए दुआएं करने में बुखल से कभी काम न ले बाजुकात कुछ काम हम खुद नहीं कर पाते न उसके काबिल होते न हमारी इतनी जिंदगी या न इतनी सख्त हिम्मत और सलाहियत लेकिन हम जब दूसरों के लिए वही दुआएं करते हैं तो अल्लाह सुबह उनके जरिए वो सारा सवाब और खैर हम तक वापस पहुंचा देता है हम सब लोग इंसान बाकी मखलूकत भी नबी सलम सल्या की आमद की वजह से रहमत पाते हैं रहमत आलमीन है और उस दुआ की वजह से दायमी खैर और भलाई पा रहे है पिनू अल्लाम की दुआ सलाम बहुत मजलूम थे उनकी कौम दावत देने की वजह से उनको मारती पीटती भी थी फिर उन्होंने जब दुआ की तो वो उनकी निजात का जरिया बनी आखिरी जमाने में होगी जब दूर में आखिरी जमाने में ईमान वाले उनके साथ महसूर कर दिए जाएंगे तो उनकी दुआ की वजह से मुसलमानों के लिए फतेह होगी या जूझ माजूज की तबाही होगी इमे कईयम कहते हैं मुसीबत को टालने में और अपना मकसद हासिल करने में दुआ कभी तरीन असबाब में से एक सबब है ये तमाम दवाइयों से ज्यादा मुफीद है दुआ सारी दवाइयों से ज्यादा मुफीद है ये आजमाइशों की दुश्मन है दुआ आजमाइशों की दुश्मन है ये आजमाइशों को दूर धकेलती है उनसे जोर आजमाई करती है उनको वाक होने से रोकती है जो वाक हो चुकी हूँ उनको खत्म करती है उनको हल्का कर देती है और ये मोमिन का हथियार है मैंने अगर दुआ आजमाइश से ज्यादा ताकतवर हो तो आजमाइश खत्म हो जाती है इतनी बाजुकात हम कहते रहे आजमाइश नहीं खत्म हो रही क्यूंकि हमारी दुआ अभी कमजोर है उसको और स्ट्रांग करें अगर आजमाइश से कमजोर हो तो आजमाइश कभी हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे का मुकाबला भी करती है एक दूसरे के साथ झगड़ा करती है फिर यह है कि दुआ सारी खैर और भलाई ले आती है जाम खैर है दुआओं के सबब बीमारियां दूर होती हैं इमाम कहते हैं बहुत से मरीज ऐसे हैं जो बगैर दवा के सिर्फ दुआ की वजह से या दम या दम दिल की मजबूती के साथ और अच्छे के शफा पा लेते हैं दवा के बगैर ही ठीक हो जाते हैं दुआ से हम गम दूर होता है डिप्रेशन दूर होता है और खास तौर पर वो जो गम की दुआ है ना वो पढ़नी चाहिए मनुबी कबिनल हम परेशानियां दूर होती हैं इंसान को दुआ की वजह से वहां से रिस्क मिलता है जहां से इंसान सोच भी नहीं सकता उसका गुमान भी नहीं होता अल्लाह ताला की नाराजगी दूर होती है और जो आदमी अल्लाह से नहीं मांगता अल्लाह उससे नाराज होता है दुआ से बंदे को गैर अल्लाह की मोहब्बत और गुलामी से आजादी मिलती है अल्लाह ताला का कुर्ब मिलता है और इंसान को मुनाजा की लज्जत मिलती है जब इंसान अपने डब से बातें करता है ना तो उसकी एक और ही खुशी होती है और इंसान को फिर वो चीज मिलने से ज्यादा वो दुआ करने में और सरगोशियां करने में और अल्लाह से बातें करने में मजा आने लगता है गोया उसको सब कुछ मिल गया। सालीन इस बात को बहुत पसंद करते थे उनमें से कहते हैं मुझे अल्लाह की बारगाह में हाजत होती है तो मैं उससे वो हाजत मांगता हूँ तो अल्लाह मेरे लिए अपने साथ मुनाजात करने अपनी मारिफत और अपने लिए आजजी करने और उसके सामने खुशामद का दरवाजा खोल देता है तो इन चीजों के होते हुए मैं ये पसंद करने लगता हूँ कि अल्लाह ताला मेरी दुआ पूरी करने को डिले कर दे मुआर कर दे ताकि मैं ये दुआ करने का लुत्फ उठाता रहूँ। तो अल्लाह अला साल से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दुआ का माना और मफहूम समझने की तोहफी कता फरमाए और हमें इसकी अहमियत का एहसास दिला दे और हम वाकई उस तरह दुआ मांगे जैसे दुआ मांगनी चाहिए अल्लाह ताला हमें आइंदा रमजान में और उसके अलावा भी इस दुआ की इबादत से फायदा उठाने की तौफीक दे कि हम अपने रब के बन जाएं और हमारा रब हम पर रहम फरमा देखु इतना खूबसूरत लेक्चर मैं सोच रही थी जैसे आपने कहा ना गरीब और मुजीब तो जब जब आपने कहा नीब तो मैं सोचती ऑफ कि हमारी दुआ कबूल हो या ना हो जो एक सेंस ऑफ क्लोजनेस अल्लाह सुनता के साथ फील होती है दैट इज रियली ग्रेट तो एक और चीज मैंने ये पूछनी थी कि जैसे हम कहते हैं ना कि इंसान अपने लिए शर को ऐसे मांगता है जैसे खैर मांग रहा है और हम उधर से ये करें कि अल्लाह कहें हमारी दुआ कबूल जरूर करते हैं तो फिर जब हम इस तरह के कोई मांग रहे होते हैं तो फिर ये होता है कि वो कबूल नहीं होगी दुआ वो अल्लाह पे छोड़ देते हैं ना हम पर वो हमारे लिए जो चाहता करता है इसीलिए वो बात दुआएं रोक लेता है हम समझते हैं हमारे लिए खैर अल्लाह का रोक देते क्यूँकी वो हमारे लिए हमसे ज्यादा हम पर मेहरबान है और की तो वो जो निदा है उन्होंने तो अल्लाह से वो मांग रहे थे चुपके ना चुपके चुपके चुपियाँ तो वो फिर चुप दिल में तो वो फिर निदा वो दुआ के सेंसमा आएगी क्यूँकी दुआ में अपने डेफिनेशन बताई ना की हम अल्लाह से मांग रहे होते हैं मुनाजात उनको कहते हैं बेसिकली जो दिल दिल में बातें करते हैं ना सरगोशियां करते हैं अल्लाह ताला से चुपके चुपके लोगों के बाजत बीच में होते हुए बाजत तन्हाई में तो ये भी दुआ की एक किस्म ही है मुनाजात जो है उस्तादा आज का लेक्चर ऐसा था जैसे जहन साजी हो गई है दुआ के लिए हम तैयार हो गए रमजान के लिए क्योंकि हर इंसान के साथ जैसे शैतान और नफ्स लगा होता है तो ऐसा लग रहा है सारे बादल छट गए हैं और हमारा जो है वो जहन तैयार हो गया है दुआ के लिए तो जो डाउट्स होते हैं या जो, जो वसवसे होते हैं वो सारे हट गए और मेरे ख्याल में सारी उम्मत को जो भी सुन रहा है उसको बहुत फायदा होगा जिससे कि पूरा रमज़ान जो हम दुआ मांगेंगे उसमें अब हमारे खदशात नहीं होंगे और एक सवाल यह है से। यकीन से और एक सवाल यह है कि दुआ में हम किस चीज का वास्ता दे सकते हैं जैसे बाज लोग जजातुल्ला खैर भैया आज ये बात शेयर की ना कि वो अपनी दौलत नहीं छुपाता ये इतना अच्छा लगा क्योंकि हर शख्स अपनी दौलत छुपा के रखता है और दूसरा को शेयर नहीं करना शेयर नहीं करना चाहता ना उसके अकाउंट्स ना उसकी कुछ चीज लेकिन अल्लाह ताला की हर चीज हमारे सामने खुली है लेकिन हमारी कन देखे कंजूसी के हमारे हाथ भी जो है वो नहीं आगे बढ़ते फैलाने के लिए और हम उस तरह मांगते भी नहीं और ना हम अल्लाह तला की वसत को पहचानते हैं तो जजाक मुला खाई आज जो आपने जिस तरह बयान किया उससे अल्लाह तला की वसत अल्लाह की बड़ाई और इतनी बड़ाई और